द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी एपोक्लिप्टो। मायन सभ्यता के समय का एक कबीला जंगलों में एक सुअर का शिकार कर रहे होते हैं। इसी बीच उनका सामना दूसरी जगह से आए हुए एक कबीले से होता है। अपने जंगल में दूसरे कबीले के लोगों को देखकर कबीले के मुखिया का बेटा, जिसका नाम जैगुआर पाव रहता है, वो आए हुए कबीले वालों से उनका आने का मकसद पूछता है। पर दूसरे कबीले वाले लोग जैगुआर पाव की भाषा नहीं समझ पाते, जिसके बाद जैगुआर पाव के पिता खुद उन लोगों से उनके भाषा में बात करते हैं। और तब इन्हें पता चलता है कि वो लोग बस उनके जंगल से गुजर रहे हैं और किसी नए जगह की तलाश में हैं, क्योंकि उनके जगह पर किसी ने हमला कर दिया था, जिसके बाद ये लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गए। इनकी बातों को सुनकर मुखिया समझ जाता है कि ये लोग डरे हुए हैं। तभी जैगुआर पाव के मन में सवाल उठने लगती है कि किसने उन पर हमला किया और क्यों। जैगुआर पाव उनसे पूछने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी मुखिया उसे रोक लेता है और आए हुए कबीले वालों को उनके जंगल से गुजरने की इजाजत दे देता है। उनके जाते हैं जैगुआर पाव अपने बस्ती में जाने से पहले अपने पिता से पूछता है कि उन्होंने उसे क्यों रोका। तो वो उसे बताते हैं कि उन लोगों के आंखों में डर था और वो डर एक बीमारी की तरह है जो इंसान को बर्बाद कर देती है, और वो नहीं चाहते थे कि ये बीमारी उनके कबीले वालों को लगे। और बस्ती में घुसने से पहले वो जैगुआर पाव को आखिरी सलाह देते हैं कि उसने जंगल में जो भी देखा वो भूल जाए। बस्ती पहुंचकर सभी लोग शिकार का जश्न मनाते हैं और रात होने पर इनके कबीले का एक बुजुर्ग सभी को एक जैगुआर और एक इंसान की कहानी सुनाता है, जिससे सभी को जिंदगी की एक अहम सीख मिल सके। और इसके बाद सभी लोग सोने चले जाते हैं, पर जैगुआर पाव का मन अशांत रहता है। उसे सपने में भी उस दूसरे कबीले वाला आदमी दिखाई देता है और वो बस एक ही बात दोहरा रहा होता है कि भाग जाओ। और इस सपने की वजह से जैगुआर पाव की नींद बाकी कबीले वालों से जल्दी खुल जाती है और उस सुबह की शांति जैगुआर पाव को और भी ज्यादा परेशान करती है। उसे आने वाले किसी बड़े खतरे का आभास होता है और देखते ही देखते जैगुआर पाव की चिंता हकीकत में बदल जाती है। जीरो वुल्फ नाम के मुखिया का कबीला उन पर अचानक हमला कर देता है और ये लोग वही रहते हैं जिनकी वजह से वो जंगल में आए हुए दूसरे कबीले वाले डर कर भागे थे। जीरो वुल्फ के कबीले वाले जैगुआर पाव के सारी झोपड़ियों को जला देते हैं और एक एक करके सभी को बंदी बना लेते हैं। पर जैगुआर पाव पकड़े जाने से पहले अपने बीवी और बच्चे को एक जमीन के नीचे बड़े गड्ढे में छिपा देता है और वापस आकर अपने कबीले वालों के साथ जीरो वुल्फ के लोगों से लड़ने लगता है। पर जीरो वुल्फ की तादाद बहुत ज्यादा रहती है, जिस वजह से आखिर में सभी लोग पकड़े जाते हैं। सभी को पकड़ने के बाद जीरो वुल्फ का एक साथी, जिसका नाम मिडिल आई रहता है, वो जैगुआर पाव के आंखों के सामने उसके पिता को मार देता है और जैगुआर पाव को वो दूसरा नाम देता है अलमोस्ट। और इसके बाद वो सभी कैदियों को वहां से ले जाने लगते हैं और उनके बच्चों को वहीं छोड़ देते हैं। रास्ते में जैगुआर पाव देखता है कि जंगल में जो दूसरे कबीले वाले उन्हें मिले थे वो वापस से पकड़े गए हैं और वो भी अब उनके गुलाम है। कुछ दूर और आगे जाने पर जब ये लोग एक पहाड़ को पार कर रहे होते हैं तो जैगुआर पाव के कबीले के एक सदस्य का पैर फिसल जाता है और उसकी वजह से बाकी लोग भी खाई में गिरते गिरते बचते हैं। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो बहुत जख्मी रहता है और ऐसा होने की वजह से मिडिल आई चिढ़ जाता है और उसे खाई से ढकेल कर मार देता है। पर जीरो वुल्फ इस बार बिना उसकी इजाजत के एक और कैदी को मारने के लिए वो मिडिल आई को धमकी देता है कि अगर उसने फिर से ऐसा किया तो वो उसे मार देगा। इसके बाद कुछ दूर और आगे जाने पर सभी लोग मायन साम्राज्य पहुंच जाते हैं, पर उस जगह की हालत बहुत खराब रहती है। जंगल बेजान हो रहे होते हैं, फसल के खेत बंजर हो गए रहते हैं और वहाँ के लोग प्लेग नाम की महामारी से जूझ रहे होते हैं और लोगों की लाशें लावारिस पड़ी रहती है। इसी बीच जब ये लोग एक जगह से गुजर रहे होते हैं तब एक छोटी बच्ची रोते हुए जीरो वुल्फ के लोगों के पास आने की कोशिश करती है, पर वो लोग उसे लकड़ी से खुद से दूर करते रहते हैं क्योंकि वो बच्ची भी प्लेग की चपेट में रहती है और जीरो वुल्फ के लोगों के बार बार दुत्कारे जाने की वजह से चिढ़ जाती है और उनके लिए एक भविष्यवाणी करती है कि बहुत जल्दी उन लोगों का खात्मा होने वाला है। जब अचानक दिन को रात हो जाएगी तब एक शिकारी जैगुआर बनकर उनका शिकार करेगा। पर सभी लोग उस बच्ची की बातों को मजाक में लेते हैं और वहां से आगे बढ़ जाते हैं। और जब ये लोग शहर में पहुंच जाते हैं तब जितनी भी औरतें रहती हैं उन्हें बेच दिया जाता है और जितने भी मर्द रहते हैं उन्हें नीले रंग से रंग कर दूसरी जगह ले जाया जाता है। उस जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए रहते हैं और एक पिरामिड से गुलामों की लाशें लगातार फेंकी जा रही होती है। हर तरफ एक अजीब सा मौत का मंजर चल रहा होता है और इसी बीच जैगुआर पाव के कबीले के लोगों को भी उस पिरामिड के ऊपर ले जाया जाता है। तब जाकर सभी को उस जगह के बारे में पता चलता है कि वहां असल में हो क्या रहा है। पिरामिड के ऊपर मायन सभ्यता के राजा और रानी बैठे हुए होते हैं और उनका एक खास आदमी लोगों को बता रहा होता है कि जितने भी गुलामों की बलि दी जा रही है वो मृत्यु के देवता को खुश करने के लिए दी जा रही है, ताकि उनकी खून की प्यास बुझ सके और जिस महामारी ने उनके सभ्यता को बर्बाद करके रखा है वो खत्म हो सके। अपनी बात खत्म करने के बाद वो लोग जैगुआर पाव के कबीले के लोगों की बलि देना शुरू करते हैं और बलि देते वक्त वो प्रार्थना करते हैं कि देवता उन्हें कोई संकेत दे जिससे वो समझ सके कि उनके बलि से देवता खुश हो रहे हैं। और देखते ही देखते जैगुआर पाव के कबीले के दो लोगों की बलि चढ़ जाती है। पर जैसे ही जब जैगुआर पाव की बारी आती है तभी इत्तेफाक से आसमान में सूर्य ग्रहण लग जाती है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। और ऐसा होते ही सभी को लगता है कि देवता ने उन्हें
संकेत दिया है। तभी राजा का आदमी फिर से आसमान की तरफ देखकर कहता है कि अगर देवता की खून की प्यास बुझ गई है तो वापस से हर तरफ उजाला छा जाए। तभी सूर्य ग्रहण का वक्त खत्म हो जाता है और हर तरफ वापस से उजाला हो जाता है और सभी को लगता है कि देवता वाकई में खुश हो चुके हैं और अब उन्हें बलि देने की कोई जरूरत नहीं। पर ऐसा होने से बाकी गुलाम बच जाते हैं। तो जीरो वुल्फ राजा के आदमी से जाकर पूछता है कि वो बाकी गुलामों का क्या करे। तो राजा का आदमी उससे कहता है कि वो गुलाम अब उसकी जिम्मेदारी है, अब उनसे उन लोगों का कोई लेना देना नहीं। राजा के आदमी की बात सुनकर जीरो वुल्फ बाकी बचे गुलामों को दूसरी जगह लेकर आता है। उस जगह पर वो अपने निशानेबाजी की तैयारी करते थे। जीरो वुल्फ गुलामों से कहता है कि अगर वो उनके निशाने से बचकर उनके मैदान को पार कर लेते हैं तो वो आजाद हो जाएंगे। और फिर बारी बारी से दो दो गुलामों को भागने को कहते हैं और मैदान के आखिर में जीरो वुल्फ अपने बेटे को खड़ा रखता है। इधर जैसे ही दो गुलाम भागते हैं, जीरो वुल्फ के लोग निशाना लगाना शुरू करते हैं और उनका निशाना इतना अच्छा होता है कि वो दोनों बच नहीं पाते। और जब जैगुआर पाव की बारी आती है तो वो थोड़ा होशियारी से भागता है, पर फिर भी वो जीरो वुल्फ के निशाने का शिकार हो जाता है और जख्मी हो जाता है। जैगुआर पाव को जख्मी देखकर जीरो वुल्फ का बेटा उसे मारने आता है, पर जैगुआर पाव अपने शरीर में लगे तीर से जीरो वुल्फ के बेटे को मार देता है और जख्मी हालत में वहां से तुरंत भाग जाता है। दूसरी तरफ जीरो वुल्फ भी अपने बेटे की मौत का बदला लेने अपने लोगों के साथ जैगुआर पाव के पीछे जाता है। इधर जंगल में घुसने से पहले जैगुआर पाव एक गड्ढे में गिर जाता है और जब वो अपने आसपास देखता है तो हर तरफ लाशों का ढेर लगा रहता है और सभी सड़ रहे होते हैं। इसके बाद जैगुआर पाव किसी तरह जंगल में घुस जाता है और एक पेड़ पर चढ़कर कुछ देर आराम करता है। पर थोड़ी ही देर में उसकी नजर एक असल जैगुआर के बच्चे पर पड़ती है और जब वो सामने देखता है तो उसके सामने उस बच्चे की माँ रहती है। जैगुआर पाव तुरंत वहां से भागता है और वो जैगुआर भी उसके पीछे भागती है और तभी जीरो वुल्फ के लोगों की नजर सिर्फ जैगुआर पाव पर पड़ती है। उन्हें उसके पीछे असल जैगुआर नहीं दिखता। वो लोग भी तुरंत जैगुआर पाव का पीछा करने लगते हैं, पर उनमें से एक जैसे ही जैगुआर पाव को पकड़ने वाला होता है, पीछे से असल जैगुआर जैगुआर पाव की जगह उसे दबोच लेती है और मार देती है। और इस हादसे के बाद जीरो वुल्फ के एक आदमी को उस बच्चे की भविष्यवाणी याद आती है और उसे उस बच्चे की जैगुआर वाली बात और रात को दिन होने वाली बात सच होते दिखती है। पर तभी जीरो वुल्फ उसे चुप होने को कहता है और सभी वापस जैगुआर पाव को मारने निकल पड़ते हैं। इधर जैगुआर पाव को अपने पिता की बात याद आती है कि वो जब डरना छोड़कर खुद के लिए लड़ेगा तो कोई उसे हरा नहीं पाएगा। और इसके बाद जैगुआर पाव अपने जंगल का फायदा उठाता है और फिर वो जीरो वुल्फ के साथ साथ उसके लोगों का शिकार करना शुरू करता है। और यहाँ जीरो वुल्फ और उसके लोगों को जंगल के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं रहती, जिस वजह से कुछ लोग अपनी गलती से प्रकृति से मारे जाते हैं और कुछ जैगुआर पाव के हाथों मारे जाते हैं। पर इसी बीच जंगल में बारिश शुरू हो जाती है और जैगुआर पाव की बीवी और उसका बेटा अभी भी उस गड्ढे में फंसे रहते हैं और बारिश की वजह से उस गड्ढे में पानी भरने लगती है। और तभी जैगुआर पाव की बीवी प्रेग्नेंट होने के कारण उसी पानी में अपने एक और बेटे को जन्म देती है और दोनों बच्चों की जान बचाने के लिए उन्हें अपने हाथों में उठाई हुई रहती है। जैगुआर पाव तुरंत आकर उन्हें बचाने की कोशिश करता है, पर तभी जीरो वुल्फ के बचे हुए दो लोग वहां आ जाते हैं, जिसके बाद जैगुआर पाव को वहां से भागना पड़ता है और जीरो वुल्फ के दोनों लोग उसका पीछा करते हैं। भागते भागते जैगुआर पाव समंदर के किनारे पहुंच जाता है और उसकी नजर समंदर में आए हुए स्पेनिश शिप पर पड़ती है। जैगुआर पाव उन्हें देखकर वहीं रुक जाता है और उसके साथ जीरो वुल्फ के दोनों लोग भी वहीं रुक जाते हैं और अपने सामने नई चीज देखकर उनके तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी जैगुआर पाव जीरो वुल्फ के लोगों को उनकी किस्मत पर छोड़कर वापस जंगल में भागता है और अपनी बीवी को बचाता है। और कुछ टाइम के बाद जब वो लोग उसी जगह से गुजरते हैं तब जैगुआर पाव की बीवी उससे समंदर में उन जहाजों के पास चलने को कहती है। तो जैगुआर पाव अपनी बीवी से कहता है कि उनके लिए अच्छा यही होगा कि वो अनजान चीजों से दूर रहें और वापस जंगलों में चले जाएं और एक नई शुरुआत करें। और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह के और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।